तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या चाल है। दिस इज़ योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज आपसे मैंने काफ़ी ज़रा गहरी बातें करनी है अबाउट फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग माई ओन क्लोदिंग बिजनेस। अब क्लोदिंग जो है ना, उसका मुझे हमेशा से शौक था। जैसे आपने देखा, मैं जिस तरह की मेरी ड्रेसिंग रखता हूँ, बहुत से लोग मेरे आउटफिट्स के बारे में पूछते थे, कौन सी घड़ी पहनता हूँ, कौन से जूते पहनता हूँ, किस तरह की जीन्स, किस तरह की शर्ट वगैरह, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मेरा वैसे ही हमेशा से दिल था स्टाइल और फैशन की तरफ, कभी ना कभी इस इंडस्ट्री के अंदर जाना। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स thinking about it, by finally मैंने सोचा कि आज इस तरफ पहला स्टेप लिया जाए। नाउ जो मैं पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च करूंगा, जो शर्टें मैंने डिजाइन किए हैं, उसके बारे में बताता हूं और वो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। लेकिन पहले बेबी आइजन के लिए कुछ गिफ्ट्स आए थे फिजा की दोस्तों की तरफ से, तो हमने कहा पहले राउंड की अनबॉक्सिंग करते हैं। और एक और मुझे गिफ्ट आया था फ्रॉम अ स्पॉन्सर मिद्रा स्टोर के नाम से, उन्होंने हमें नेकलेस भेजे थे और सर दो ब्रेसलेट भेजे थे, बड़े अच्छे अच्छे, बड़ा क्यूट सा गिफ्ट है। तो पहले वो देख लें, उसके बाद फिर हम ये बिजनेस वाले बात पे आते हैं। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चल रहा है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। मेरे साथ है फिजा खाना और सीन ये है कि अभी हमारे पास कुछ गिफ्ट्स आए हैं। एक तो हमें आया था स्पॉन्सर्ड गिफ्ट, वो मैंने उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी ऑलरेडी लगा दी थी फिजा के साथ। यूट्यूब पर उन्होंने मुझे कहा नहीं था, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो है क्या और किस तरह की चीज थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो हमारे जो बेबी आइजन है उसके लिए कुछ कपड़े आए हैं और फिजा की दोस्तों से, और काफी ज्यादा सामान है। तो मैंने कहा जब भी ऐसा सामान आता है आप लोग भी देख लो, आपके साथ बैठ के रिव्यू बनाता है, मजा भी आता है खोलने का, यू नो। तो सबसे पहला तो है ये आया है मिद्रा, इन्होंने मुझे भेजा था ब्रेसलेट और एक नेकलेस भेजा है फिजा के लिए। तो ये ब्रेसलेट पहला तो आप देखो, ये फिजा और मेरा मैचिंग ब्रेसलेट भेजा है, एक व्हाइट एक ब्लैक, और इस पे मीम लिखा हुआ है और इस पे फे लिखा हुआ है। तो फिजा एफ और मेरा मीम एम, हम दोनों इस तरह करके पहन लेते हैं ऐसे पहले से। ये चेक करो जरा, काफी फिट भेजा है, वेरी गुड और हाई क्वालिटी। और इन्होंने नेकलेस भी एक भेजा है ये फिजा के लिए, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छी बात है दिल वाला है नेकलेस। अंदर देखो जरा, हमारी पिक दोनों की, हमें पता भी नहीं था। जब मैंने खोला आई वाज लाइक ठीक है, एक में हम मैं अपनी तस्वीर आपकी लगा लूंगी, एक में मैं आइजन की लगा लूंगी। फिर मैंने खोला, उन्होंने पहले ही हमारी तस्वीर इतनी प्यारी सी लगाई, दोनों की लगाई थी और अच्छी वाली तस्वीरें लगाई हुई थी। और ये अच्छी चीज है यार, आपने किसी अपनी महबूबा या किसी को भी माँ को गिफ्ट करना हो, या आप इस तरह का लॉकेट शॉप मिद्रा, इनका मैं लिंक नीचे लगाता हूँ इंस्टा का और वेबसाइट का ना, तो इन पे आप जाके ऑर्डर अपने डाल सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, मतलब भारी चीज है, ये भी भारी है काफी। अब तुम बेबी के कपड़े ले, अब फिजा की बारी, फिजा तुम बोलो। बेबी का जी सामान आ गया, ओहो माशाल्लाह, दिस इज फ्रॉम सिद्रा एंड समी, थैंक यू सिद्रा एंड समी फॉर वाचिंग, दे वॉच माय व्लॉग्स एक्चुअली। ओह वाओ, ओह शूट, सो क्यूट, थैंक यू सो मच यार, इतने ज्यादा कपड़े मेरे नहीं कभी आए। हमारे बेबी के पास जब भी से इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए जितने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं होते। वही इन्होंने एक्चुअली उसके साइज के दिए, 3 months के, 3 months के, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा। ये चेक करो जरा, हनी बी टाइप सा फुल स्लीव वाला, और पीछे वन जी स्वीट लिटिल वन, आई थिंक ये आ जाएगा सर। जीरो टू थ्री मंथ ये वाला आ जाएगा, एक महीने का होगा तो आज। थोड़ा सा हमारा बेबी अभी छोटा है, लेकिन फिल इन हो जाएगा, अभी तो बेचारा 2 weeks का है आइजन जो है, उसके बाद वाजिया। ओ ये अच्छा है, ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला चेक करो जरा, आई लाइक दिस वन। इसके साथ टोपी भी है डायनासोर वाली, हाँ ये सही है। वाह जी वाह, ये चेक करो जरा, डायनासोर वाले मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। 3 महीने तक हर रोज नए कपड़े पहन रहे। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि यार मैंने भी भेजना है आपको कुछ सामान, अगर आपने हमें कुछ गिफ्ट देना है भेजना है, मैं से मांग नहीं रहा वैसे बहुत चीजें बट यार से वगैरह, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई ईमेल, मैं नीचे ईमेल अपना ड्रॉप करूंगा, वहाँ पे मुझे ईमेल कर देना और फिर आई शेयर द मेलिंग एड्रेस वगैरह, फैन मेल ही समझ लें आप इसे, बट मोर डायनासोर, हम फिर इसका रिव्यू भी करेंगे जो आप चीज भेजोगे। डायनासोर वाले कपड़े आ गए हमारे पास, ये चेक करो जरा, ओ आई लाइक द ग्रीन वन, मुझे ग्रीन कलर आजकल बहुत पसंद आ रहा है, as you can clearly see. 2 blankets, ओह दैट्स गुड, हम उसको अच्छी तरह स्वाडल कर सकते हैं, वॉशक्लॉथ एंड टॉवल्स, वॉशक्लॉथ है और टॉवल है बेबी के, ये भी इसको हमने नहलाया भी था 1-2 दिन पहले ना, तो अब इसको नहला रहे हम रेगुलरली, तो ये चीज हमें चाहिए थी यार, ये अच्छा गिफ्ट भेज दी जो हमें लेने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों ले ली बाकी चीजें भी, मैं तो ये सोच रही हूं। इसको मैं मना करता था, इसको मैं कहता था तुम रुक जाओ अभी, मतलब कि क्यों ले जा रही हो चीजें, ये ले ही जाती थी, ले ही जाती थी, ये इसने को 3 महीने पहले शुरू कर दी थी चीजें लेना इस सदीरा से। This is toys. इसके भी देख टॉयज नहीं लिए हमने, मेरे वो पीछे पड़े हैं फिगर्स, उसको नहीं मैं हाथ लगाने दूंगा, वो ये अच्छा खिलौना है इसके लिए, उसको भी समझ ही नहीं आनी कुछ, आज मैं उसको पकड़ा दे बंदा यूं, हाँ हिलाता रहेगा, ये अच्छा सही है बड़े बच्चों के लिए, लेकिन मॉमी एंड मी अनदर बार्ट से लगे, बस सही है, इतना तो नहा नहीं रहा जितने इसके बार्ट से डाल गया, इसको ज्यादा नहलाना पड़ेगा हमें। But I really like this. So, ये भी तुम्हारे लिए? अच्छा जी। So, you got me something? Father has left the chat. कोई मसला नहीं, मुझे वैसी चीजें मिलती रहती है। In my boy mom era. दिखाओ जरा कैमरे पे आगे। और क्या है? ओ, शर्ट भी दी हुई है। मामा, बड़े thoughtful friends हैं तुम्हारे। आपका कोई दोस्त नहीं आ रहा?
ओए मुझे भी तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मैं सच अब सोच रहा हूँ मेरे सारे मेल फ्रेंड मर गए हैं कमीनो। बॉय मामा ये गुड हो गया सीन, तुम्हारे लिए बड़ा नहीं वैसे, चलो पहन लेना आराम से, चल मारना। लोग समझ होंगे ना मैं चपेटा करके मोटी होगी। मोटी हो गई होगी हाँ तुमने, लेकिन बहुत डाइटिंग की है, तभी हमारा बच्चा छोटा सा है बेचारा, लेकिन फिजा ने थ्रू आउट डाइट कोक पी है। बच्चे की नब्ज में हो। मैं इसको कहता था यार कम डाइट कोक पिया करो, उसकी रगों में भी डाइट कोक दौड़ी होगी, लेकिन शुक्र है दैट्स नॉट द केस। अब हम बात करते हैं क्लोथिंग बिजनेस की, जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे होंगे। तो सीन ये है कि क्लोथिंग वाला जो बिजनेस है ना, मुझे नहीं पता था कि ये कितना टायर्सम हो सकता है टू लॉन्च। आपको लगता है कि यार आप कहीं पे भी शर्ट्स देखते हो, आप कहते हो अच्छा आपने यहाँ से शर्ट का कपड़ा पकड़ा, यहाँ से प्रिंट करवाया, यूं 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 करके आपने बेचना शुरू कर दिया। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो ना, जिसको आप खुद टेस्ट करो एक दफा पहन के, लोगों को दिखाओ, उसके ऊपर अपने ड्रॉन फिगर्स हो, प्रॉपर उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हो, अच्छा वाला प्रिंट हो, फिर बेस्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढना, इन चीजों में बड़ा टाइम लगता है, स्पेशली सैम्पलिंग में। अब यूट्यूब पे भी मैं कम वीडियोस लगा रहा हूँ आजकल, आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे जो फॉलो करते हैं, मैं इतना कंटेंट नहीं लगा रहा। पहली बात तो आइजन है, उसका भी ध्यान रखना होता है, फिर फिजा का भी ध्यान रखना होता है। खैर फिजा इज टेकिंग केयर ऑफ आइजन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मुझे आई हैव टू बी अराउंड टू हेल्प राइट। एंड फर्दर मोर मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, पूरी पूरी रात जाग जाग के मैं डिजाइन बना रहा था शर्ट के, कौन से डिजाइन बेस्ट रहेंगे, बार बार अपने इर्द-गिर्द लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, और मैंने अपने डिजाइन फाइनल कर लिए हैं शर्ट्स के। तो बेसिकली आई एम गोइंग विद द ओवरसाइज शर्ट, जो ड्रॉप शोल्डर्स होती है थोड़ी सी क्रॉप्ड होगी नीचे से, क्योंकि आजकल फैशन में भी बहुत चल रही है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। और मैंने ना इसके लिए एक सर्वे डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर कि जो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे टू बाय माय प्रोडक्ट, वो अपना एक गूगल का सर्वे है मेरा, उस पे जाके अपना नाम, ईमेल एड्रेस दें और अपना साइज लिखें और एनी सजेशंस दे वांट टू गिव, क्योंकि मेरे डिजाइन एनएमए के हैं। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं हम एनएमए नहीं देखते, आप सिंपल डिजाइन बनाए, हमें नमाज में प्रॉब्लम होगी, आप यार वो जिस तरह की आप हुडीज पहनते हैं, पोलो शर्ट्स पहनते हैं ओल्ड मनी स्टाइल पे, भाई सब चीजें होंगी। मैंने जैसे कहा कि मैं पूरा प्रॉपर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूँ, बाय द वे ज़िन मार्टो के नाम से मेरा जो लोगो है, मेरा ब्रांड नेम है, बट आई हैड टू स्टार्ट समवेयर राइट। और जो एनएमए की बात है ना, मैं जब भी उसकी क्लोथिंग देता था ना, तो ऊट पटांग सी होती थी, इट वाज़न्ट कूल, कोई भी पहनता तो क्लाउन लगता है। जो मेरी अप्रोच थी ना, वही थी कि कोई बड़ा भी पहना तो उस पर कूल लगे यार, मतलब ऐसा लगे आप उसको पफर जैकेट के साथ पेयर करो, लेदर जैकेट के साथ पेयर करो, जींस के साथ पेयर करो, कार्गोस के साथ, किसी की भी चीज के साथ वो बड़ी कूल और एस्थेटिक लगेगी। तो मेरा ये विजन था इन शर्ट्स के साथ। तो मैं आपको कुछ शर्ट्स के डिजाइन दिखाता हूँ। पहला तो है ये लूफी वाला, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वन पीस की फैन बेस बहुत ज्यादा है, तो यू नो आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट विद दिस। द प्यारा सा मस्टर्ड कलर का कलर है, और ये मैंने काफी चीजों के साथ पेयर करके देखा था एंड वाज लुकिंग रियली गुड। येलो इज अ कलर ऑफ जॉय एंड ही इज लाफिंग। अब आप इसकी बैक देखो, तो बैक पे भी मैंने प्यारा सा इसका एक डिजाइन बनाया, ऊपर मेरा ज़िनमार्टो का लोगो है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अटैक ऑन टाइटन की, बहुत मशहूर है एनीमे, काफी लोगों ने देखा होगा। अच्छा ऑल्सो जो आगे वाला डिजाइन होगा ना शर्ट पे, वो सारी एम्ब्रॉयडरी होगी। एम्ब्रॉयडरी अब होता है स्टिचिंग वाला काम, स्टिचिंग का जो काम होता है ना, वो सबसे क्लास का होता है और बड़ा प्यारा सा शाइनी सा लगता है, और ये कभी खराब भी नहीं होता। और पीछे होगी वो DTF प्रिंटिंग होगी। DTF प्रिंटिंग सबसे प्रीमियम प्रिंटिंग होती है। शर्ट वी आर गोइंग विद कॉटन, लेकिन शर्ट की क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी होगी, जो कि प्रॉपर थिक शर्ट नहीं होती, अच्छा वाला कॉटन होता है, वो वाला नहीं जिसमें आपको गर्मी से जल जाएंगे, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी होगी, उसका मैंने मेक श्योर किया है। उसके बाद एक और ये आप देख सकते हैं अटैक ऑन टाइटन का, अगेन आगे जो होगी इसकी एम्ब्रॉयडरी होगी, अगर आप पीछे देखें तो ये उनका लोगो स्काउट्स का, विंग्स ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम आ जाते हैं डीमन स्लेयर पे, उसका मुझे ये वाला बहुत प्यारा डिजाइन लगा था, जो नीचे जापानीज में उसका अटैक नेम लिखा हुआ है। बेसिकली पीछे से आप देखो तो इसमें जस्ट मेरा लोगो है, इसमें मैंने पीछे कुछ नहीं डाला। एक और आ जाते हैं, ये वन पीस का है ठीक है, जोरो का जॉली रॉजर छोटा सा बनाया हुआ, ये भी एम्ब्रॉयडरी होगी। ये चेक करो जरा डिजाइन, ये जोरो का है पीछे बना हुआ, ये मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली, दिस इज माय फेवरेट शर्ट। लास्ट हम जा रहे हैं टोजी के साथ, आगे आप देख सकते हैं उसकी सोर्ड बनी हुई है, और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह जापानीज में जुजुत्सु काइजन जो एनएमए लिखा होगा, पीछे टोजी बना हुआ है और ऊपर मेरा लोगो है। और बिफोर मुझे लोग कह यार इस एनएमए का बनाओ, इस एनएमए का बनाओ, नारुतो को बनाओ, ये वो, भाई सब बनेगा इस तरह, लेकिन दीज वर माय बेस्ट डिजाइंस, द फाइव डिजाइंस आई वेंट फॉर। मैंने कहा था इनके साथ जाते हैं, देखते हैं कि इनकी सेल कैसे होगी, कैसे आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे, और उसके बाद फिर मैं और एनएमए डिजाइन निकालूंगा। नाउ जो कुछ लोग बात करते हैं आप ओल्ड मनी स्टाइल निकालो, पोलोज निकालो, हुडीज निकालो, और वो कपड़े निकालो जिसपे पिक्चर्स ना बनी हो, वो भी निकालूंगा मैं, लेकिन आई वॉन्ट टू स्टार्ट समवेयर, दैट्स द पॉइंट। लड़कियां भी कहती हमारे लिए भी कोई निकाले, तो ये लड़कियां भी पहन सकती हैं, लड़कियां भी आजकल
मैस्कुलिन एनएमए की फैन है, दिस इज यूनिसेक्स, मर्द भी पहन सकते हैं औरत भी पहन सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए भी स्पेसिफिक डिजाइन निकलेगा एंड आई विल एक्सपेंड दिस बिजनेस का। आपको एक बात बताता हूँ कि बिजनेस जो है ना वो कभी इस तरह नहीं शुरू होता कि आप अपने सारे चिप्स इन कर दो, यू गो ऑल इन। ऑल इन जाओगे ना तो कस्टमर भी कंफ्यूज होगा, आप भी कंफ्यूज होगे एज अ प्रोड्यूसर। तो थोड़ी थोड़ी चीज से स्टार्ट करना चाहिए। अब जब सैंपल्स मेरे पास आ जाएंगे उसके बाद आई विल अप्रूव देम अगर मुझे पसंद है, और उसके बाद हम फिर उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक में ही आएगा। अब सीन ये कि वेबसाइट रेडी हो गई है, लेकिन जब तक मैं सैंपल्स नहीं देखूंगा ना तब तक मैं प्री ऑर्डर के लिए इसको नहीं रख सकता। अब एक और बात लास्ट में करता हुआ जाऊं, अब ये प्रोडक्ट मेरा यूएस के, लेकिन मेरी मेजोरिटी ऑडियंस पाकिस्तान की है। तो आप ये समझ ले कि मैं प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में बेच रहा हूं ना तो मुझे इस पे लिटरली कोई इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वर्ड ऑफ माउथ जाए, आप लोग देखो कि आप लोगों ने मूसा खाना का प्रोडक्ट पहना है। मैं चाहता हूं कि आप उसको पहन के प्राउड फील करो, उसको एंजॉय करो, कहीं पे बाहर आउटिंग पे जाओ तो आपने मेरी शर्ट पहनी हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। वंस यू बाय इट फ्रॉम मी यू वेयर इट आउट, यू कैन सेंड मी पिक्चर्स, यू कैन सेंड मी वीडियो, मुझे जो वो देख के खुशी होगी ना मैं आपको बता नहीं सकता। शर्ट की जो कॉस्ट वगैरह होगी वो मैं सारा कुछ फाइनल करके आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा या इंस्टाग्राम स्टोरी पे, क्योंकि मेन मैंने चीज सेल करनी है अमेरिका के अंदर, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में ऑब्वियसली इसकी डिमांड ज्यादा है, और अमेरिका इसलिए भी क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। लेकिन अपनी बिलवड ऑडियंस मेरी, आप मेरे सारे जो व्यूअर्स हो, आपसे प्यार बढ़ा है, तो आप लोगों को तो मैं डिस्काउंटेड रेट पे ऑब्वियसली दूंगा क्योंकि पाकिस्तान में सेल हो रही है, और जो अमेरिका का रेट है वो पाकिस्तान के रेट से बहुत डिफरेंट है भाई। तो एनीवेज वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मजे मजे के व्लॉग्स आगे आ रहे हैं फ्यूचर में, आइजन भी उनमें आएगा, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। दुआओं में याद रखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की खबर है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।